यस हरिओम गुरु जी। नमस्ते बाबा, बोलिए। नमस्ते गुरु, कहाँ से बोल रहे आप? गुरु जी मेरा नाम रविता है, मैं पाकिस्तान से। कहाँ? पाकिस्तान में? किस जगह से? लारकाना से। लारकाना। लारकाना। अच्छा 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 बताइए कैसा कैसा आना हुआ इधर इतना दूर? कैसे आना हुआ? अपने आप को पहचानने के लिए गुरुजी, इसलिए। ज्योति अठवानी मैम लेती हैं इन लोगों की क्लासेस। अच्छा तो जी गुरुजी, जो दीदी ज्योति है ना, उन्होंने हमें जोड़ा है अपने लिंक में। अच्छा बाबा, वेरी गुड जी। मुझे ये जूम ऐप ज्वाइन करते हुए 15 दिन हुए हैं। अच्छा। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सिमरन में बहुत सुकून, आनंद। अच्छा। और गुरुजी यहाँ पर थर्ड आई पे ना, जैसे कुछ ना गोल 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 ना घूमता है, ऐसे लग रहा है। होने देना, लगने देना, वो कहाँ जाता है हम देखेंगे। आज रोज ध्यान किया करना, जैसा संगीत सीखते हैं जिंदगी भर की कहानी है, वैसा भी ध्यान भी जिंदगी भर की कहानी है। वेरी गुड वेरी गुड। जी जी आप क्या करती हैं गुरु जी, कुछ समझाएं, कुछ बताएं, मेरी नॉलेज में इजाफा करें। क्या क्या हुआ? बोल रही है कि मेरे नॉलेज में इजाफा करें। ज्ञान दे, ज्ञान। अच्छा अच्छा ध्यान करो, ज्ञान मिलेगा। कुछ ज्ञान दे, पुस्तकें पढ़िए, ज्ञान मिलेगा आपको। बहुत सारे पुस्तक हैं, पढ़िए पढ़िए। थोड़ा पाकिस्तान के बारे में बताइए गुरु जी, आप भी बताएं। पाकिस्तान के बारे में बताइए आप। पाकिस्तान के बारे में बताओ रविता। आवाज रविता, पाकिस्तान के बारे में बताओ, सर पूछ रहे हैं। गुरुजी कुछ पूछे तो बताऊं, क्या बताऊं? वहां पे कैसी लाइफ है आप लोगों की? वहां मेडिटेशन कोई करता नहीं होगा, तो आप लोग फैलाइए, ऐसे करके कुछ बताइए ना, अगर आपके मन में ये विचार है तो। मेरी मासी है ना वर्षा, उनने ये स्टार्ट किया था, हमें भी उन्होंने ही ज्वाइन करवाया है ये मेडिटेशन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी को? हाँ चलिए रविता जी, फिर आप बात करिए, आज थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। नानकी जी आप अनम्यूट करिए अपने को। नानकी जी नानकी जी हेलो नमस्ते। यस बाबा नमस्ते गुरुजी। कहाँ से? जी पाकिस्तान सिंध से बात कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अभी कुछ देर पहले मेरी कजिन ने आपसे बात की। अच्छा। और दो दिन पहले ओमान से जो बात की वो मेरी मासी थी। अच्छा। उन्होंने हमें लिंक में जोड़ा है, ज्योति अटवानी के सेशन में हम ज्वाइन करते थे। अच्छा। मैं करती थी उसमें ज्वाइन, एक हफ्ता किया था, लेकिन नेट इशू की वजह से नहीं कर पाई। फिर इसमें आ गए हम, 4-5 दिन से मैं इसमें आई हूँ। ओके। और हमें सिमरन करते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा है, सुकून महसूस होता है। बिल्कुल वेरी गुड बाबा, एब्सोल्युटली वंडरफुल। बस करते रहिए, ध्यान में आगे बढ़ते रह जाएंगे आप, जितना ध्यान करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। जी ध्यान अति आसान है। अब
और अति लाभदायक। जी और अभी कुछ एक्सपीरियंस इतना नहीं हुआ, सिर्फ सुकून महसूस होता है, हम और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हाँ बाबा बहुत कुछ आपकी बेस्ट विशेस से वो भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेना। हाँ हाँ जी, हमारी आप ही जिन्होंने बात की थी उमान से, वो बहुत सालों से मेडिटेशन के लिए हमें भी बोलती थी, हमें जोड़ा हुआ है, हम मेडिटेशन करते थे पहले भी, सिमरन करते थे, ध्यान करते थे, लेकिन अभी इस सेशंस में अभी ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। सिमरन अलग है, ध्यान अलग है। जी हमें ध्यान चाहिए, सिमरन बहुत कर चुके हैं आप, अब ध्यान चाहिए हमें। ध्यान और सिमरन बहुत अलग अलग चीज है, आलू और टमाटर अलग अलग है उतना। चलिए थैंक यू जानकी जी। दिया जी, दिया शोभा जी, आप ज्योति जी आप भी अनम्यूट हैं, आप बता दीजिए जो आपके पाकिस्तान के फ्रेंड्स आए हैं तो उनको मैं बुला लूं। अभी मेरा भाई है जो उड़ीसा से है, कहाँ पे? हाँ पहले अशोक है, अशोक। अच्छा ये कौन? दिया, दिया बात कर रही हैं। हाँ दिया बात करिए। यस बाबा दिया जी बात करिए। अरे उनके तक नहीं पहुंचा वो, जब तक अशोक आप बात कर लीजिए। अशोक जी आप बात कर लीजिए जब तक के। ये पहले प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम, जितने मास्टर हैं सभी को प्रणाम। मैं ज्यादा तो टाइम नहीं हुआ है मिलके, ज्योति मेरी छोटी बहन है, शोभा बख्शानी मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, इनके थ्रू मैंने लिंक में आया हूँ। मैं एक महीना कर रहा हूँ, मेरे को बाकी घर वाले डरते हैं कहीं ये ज्यादा ध्यान में जाके घर को ना भूल जाए, ऐसे कुछ है क्या गुरु जी? घर गृहस्थी को ना भूल जाए इसीलिए डर रहे हैं घर वाले। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो मतलब घर गृहस्थी को भूलना फिर उनके लिए तकलीफ है ना, तो ध्यान मत करिए फिर, ध्यान को भूल जाइए। तो नहीं नहीं, ध्यान में तो मेरे को बहुत इच्छा है। नहीं करना बाबा, घर वालों से दूर हो जाएंगे। देखो बाबा ये छोटे लड़के की शादी हो जाए, मेरा एक जिम्मेदारी दूर हो जाए, उसके बाद जो भी ठीक रहता। ठीक है, शादी होने के बाद ध्यान को अपनाइए आप, अभी मत करिए। ध्यान में तो इतना लगा हो गया, ध्यान छोड़ने नहीं हो रहा है। अभी मत करिए आप, छोड़ दीजिए, शादी होने के बाद करेंगे। जैसे आपकी इच्छा से। हाँ वैसे ही करो, नहीं बात नहीं है। हाँ पहले शादी होने दो, बाद में ध्यान में आएंगे। आपकी आशीर्वाद हो, हम उड़ीसा में रहते हैं, थोड़ा यहाँ कोई सिंधी आदमी नहीं आ रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा डर रहा है। ठीक, फर्दा पूरा जिम्मेदारियां कंप्लीट करो, फिर बाद में ध्यान में आ जाएंगे। जिम्मेदारियां तो जिंदगी भर खत्म नहीं होती है, लेकिन ये एक मेन जिम्मेदारी है, उसके बाद वही तो। हाँ। सारी मेन जिम्मेदारी खत्म होने देना बाबा, फिर बाद में अपन बात करेंगे। ठीक है बाबा, मैं हमेशा हूँ आपके लिए। ठीक है बाबा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से ध्यान में आना। ठीक है बाबा, नमस्कार। काम नहीं होता है तब ध्यान में आ जाना। हाँ मैं फिर भी अभी मैं डेली करता हूँ, उनसे छिप छिप के करता हूँ। नहीं करना, नहीं करना। हाँ ध्यान नहीं करना, छिप छिप भी नहीं करना बाबा, पाप है। अच्छा अच्छा, अपने शादी होने देना, फिर बाद में करो। आपकी आशीर्वाद हो, जल्दी हो जाए, मेरे को ध्यान से तो छुटनी नहीं हो रहा है, एक महीने से लगा हुआ है। वो जल्दी नहीं होता, शायद जब होता तब होता। अच्छा हाँ ठीक है सर जी, राइट हो। हाँ थैंक यू अशोक जी। हाँ हाँ ज्योति जी बोलिए, आप किनको बुलाना है? हाँ अभी दिया थी ना, दिया नहीं है, अभी चली गई हूँ, नेटवर्क का शायद इशू होगा ना, वो पाकिस्तान में नेटवर्क नहीं चलती है, इसीलिए वो मेरे साथ भी ज्यादा दिन जुड़ नहीं सके। तो मैं अभी सोच रही हूँ व्हाट्सएप के थ्रू या फोन के थ्रू ही उनको ध्यान थोड़ा ज्यादा सिखाऊं। आप उनको सिखा कर बाबा। हाँ हाँ बाबा जी, मैं उनको देख लिया, मुझे अच्छा लगा। हाँ। मैं कितने दिन से इंतजार कर रहा था कोई पाकिस्तान से आए मेरे पास, तो आज मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके द्वारा आए, आपको आपका बहुत बहुत बधाई हो।
आपको बधाई बाबा, आप सब, आप ही नहीं किया है बाबा जी, मैंने कुछ नहीं किया है आपके ही थ्रू हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकती, आपका ही सब है। हम चाहते हैं पूरा पाकिस्तान आइए ध्यान में। हाँ बाबा जी, चलिए जो होगा सो होगा। अंजनी जी और? अंजनी दुबे जी, अंजनी दुबे अनम्यूट करिए अपने को। कोई भी नहीं? नहीं सर है तो आप बताइए सर। अरे मैं कैसे ये बताऊं, आप बताइए ना। श्रीनिवास को राजू को दीजिए। सीमा राजू, राजू नीता जी, राजू सर नमस्कार सर। एम बाबा ये बोल रहे, हेलो ना बोलो क्या बात है, उनको पास आ रहा फिर नहीं आ रहा। नमस्कार सर। चपंड बा सर नमस्कार सर। ఎన్ని సార్లు చెప్తారు నమస్కారం చెప్పండి, ప్రసీకండి। అరే హలో క్యా ప్రాబ్లం హో గయా ఇంకా ఆ రహి ఆజ్ బాత్ నహీ కర్తా హూ నా। హలో ఆర్ కిసీ కో కర్నా, అరే బోలో యార్। సార్ మేరా నామ శ్రీనివాస్ హై సార్, మే अत्तर से बात। अरे बोलो ना, अरे बातें करो सर। मैं नया सर, मैं नया नया सर, मैं पता हो जन में हुआ था सर, पता है ने पीएमसी का नया है ये आज बता ये आज। हां ठीक है ठीक है ठीक है ये आज ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू सर। ये राम रामचंद्र दीजिए, रामचंद्रन रामचंद्रन जी आप अनम्यूट करिए। हेलो हाँ बाबूजी। अच्छा दिया आप बात करिए, दिया बात कर लीजिए। दिया बोलो बेटा बोलो। हरिओम बाबा जी। बोलो बोलो। मेरा नाम दिया है, मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, मैं ये मेडिसिन ज्वाइन करते हुए 12 दिन 13 दिन हुए हैं। ओनली इंपॉर्टेंट है सर। हां और ध्यान है, बहुत मन लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा हाँ सर, बहुत भारी हो जाता है। हाँ हाँ बहुत सुकून महसूस होता है। हाँ हर रोज किया करना ध्यान। हाँ तो आगे बढ़ोगे? जी हाँ सर, बहुत शौक है आगे बढ़ने का। तो पाकिस्तान में कहाँ है आप? लाड़काना सिंध से। अच्छा लाड़काना सिंध। अच्छा आते ही रहना जूम में। जी सर आते रहना। अरे बाबा हाँ सर, आवाज कट हो रही है ना। क्या करो, मैं क्या करूं, हमारा ये शौक भी है तो हम इंडिया भी जरूर आएंगे। आइए आइए आइए। जी हाँ थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिया दी। थैंक यू
रामचंद्रम जी आप बात करिए। अरे अनम्यूट करो बाबा फायदा, फिर बाद में बात करो। सब कुछ बोलना है क्या आपको? सर अनम्यूट करके रखिए रामचंद्रम जी। अरे कैसे लोग आ जाते हैं, कुछ मालूम नहीं उनको। रामचंद्रम जी आप बोलिए। उनको कुछ भी नहीं मालूम, परंतु आ जाते हैं। और किसी को दीजिए। हाँ सर। क्या बात है, कैसे लोग हैं पूरा? मानसी जी आप अनम्यूट करिए, बात करिए सर से। मनीष सरबरिया भी आए हुए हैं। प्रणाम सर। नमस्कार। मैं पुणे से बोल रही हूँ, मानसी बोले। पुणे। नीता मैम के ग्रुप से जुड़ी हुई है ध्यान में। अच्छा। अभी महीना हो जाएगा, आज बराबर महीना हो जाएगा। अमावस्या के दिन स्टार्ट किया था। मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं, खेम जी साथ में कर रहे हैं दोनों। बहुत अच्छा लग रहा है। दिन कैसे जाता है समझ में नहीं आ रहा है। अभी ध्यान करने के बाद तीन बार करती हूँ मैं ध्यान, दोपहर में करती हूँ, अभी 4 बजे और रात में 10 बजे। वेरी गुड। बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो थॉट थे वो सब चले गए, जो प्रॉब्लम थे वो सब चले गए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड बाबा। नीता मैम का बहुत धन्यवाद। उसके ग्रुप से पहले ज्वाइन हुए, ऐसे ही ज्वाइन हुए मैं कि देखते हैं क्या है ध्यान में। हस्बैंड कर रहे हैं मेरे बहुत दिनों से, तो लास्ट अमावस्या के दिन बोले कि आज बहुत एनर्जी है तो मुझे 2 बॉटल दे देना अब इसके लिए, बेटे के लिए और मेरे लिए। तो मैं बोली कि मैं भी करके देखती क्या है, तो किया तो बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट दिन वो जो पानी था वो तीर्थ लग रहा था, नेक्स्ट दिन किया तो उस दिन से मैं जुड़ी हूँ। उस दिन से मैं जुड़ी हूँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत चेंजेस आए हैं मुझे। वेरी गुड बाबा, बहुत अच्छा लग रहा है। घर में भी बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आ गई है घर पे भी। थैंक यू मानसी जी। थैंक यू सर। रूपाली जी। जी आंटी। हाँ बोलो बेटा। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग पत्री सर। कहाँ से? सर मैं आरंग से हूँ, छत्तीसगढ़ से ही। अच्छा अच्छा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट टाइम देख रही मैं, इसके पहले मैं अभी काफी दिन से सेशंस में नहीं आ रही थी। आपका सही चेहरा दिखाओ जी। सॉरी क्या रख रहे हैं आप उधर, वैसा क्यों रखते हैं आप? अपना सही चेहरा क्यों नहीं रखते आप? हाँ नहीं सर, मेरा सही चेहरा ही है। अरे ये है आपका सही चेहरा, वो फोटो नहीं जी सर। अभी बताइए। हाँ मैं यही बता रही थी कि मैं पहले तो मेडिटेशन के बारे में मैंने बहुत सुना था, लेकिन जब एक्चुअली जरूरत पड़ी तब मैंने नीता आंटी को कॉल किया और उनको बताया, उन्होंने तब से मेरे को ज्वाइन करने बोला। अभी किसी रीजन से मैं काफी दिन तक नहीं ज्वाइन कर पाई सेशन। बहुत अच्छा लगता है, मेरी बहुत इच्छा थी आपको देखने की एंड फाइनली आज आप सामने हैं, थैंक्स टू नीता आंटी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। मेडिटेशन से बहुत सी चीजें नॉर्मल हो जाती है लाइक, बट गुस्सा एंगर जो है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है। मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम पर थी मैं, पर थोड़ा तो पेशेंस है मेरे अंदर की, थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ, बट ये चीज एकदम से मुश्किल हो जा रही है इसको कम करने में। तो क्या करें कि मेडिटेशन के थ्रू और क्या चीजें करनी होंगी जिससे मैं टेम्परामेंट पे अपने कंट्रोल कर पाऊँ? नीता जी बताइए इनको। ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करिए, यही दो चीजें हैं जो आपके एंगर को कंट्रोल करने में सहायता करेंगी। बुक्स तो आंटी वैसे मैं फोन पे ज्यादा देर तक नहीं देख पाती, करके जो बुक्स मेरे पास रखी है मैं वो पढ़ती हूं। तो मैंने जो भेजा है आपको उसको प्रिंट आउट कराइए, प्रिंट आउट करा लीजिए। अच्छा ओके। आपकी एक बुक मैंने अमेज़न पे आपने डाली, मैंने वो भी देखा, मैं वो मंगाने भी वाली हूँ।
ओके थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू पत्री सर. ओके बाबा जुड़ के रहना. जी जी जी. अलग नहीं होना. जी जी. सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है. जी सर. क्या जल्दी ठीक होना क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है मेरे को किसी चीज की. बस मेरे को उसी चीज का थोड़ा सा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुस्सा बड़ों पे निकल आता है, तो वो मेरे को थोड़ा सा कभी कभी बुरा खुद पे लगता है कि नहीं मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने आउट ऑफ एंगर ये बोल दिया. मेरे को कंट्रोल करना है इन चीजों पे, बहुत कोशिश करती हूँ. उसके बाद जब नहीं होता है उसके बाद मेरे मुंह से कुछ निकलता है. अरे ध्यान के बिना किसी की बस की बात नहीं है बाबा, मुंह को कंट्रोल करना. आप ध्यान करो तभी तो. बचपन से क्यों नहीं किया आप ध्यान? अरे प्रहलाद ने बचपन से किया, आप क्यों नहीं किए? आप कैसे पढ़े लिखे हैं? आप भारत देश के कैसे हैं? आप बचपन में कुछ करते नहीं, फिर बड़े होकर रोते हैं. किस देश के वासी हैं? किस देश के, किस खेत के मूली हैं? आप क्या करते बचपन में? प्रहलाद को, ध्रुव को क्या सुने आप? कृष्ण और राम को क्या सुने आप? क्या किए आप बचपन में? कुछ भी नहीं. कैसे पढ़े लिखे हैं आप? अब रो जिंदगी भर, रो. बचपन में पढ़ाई नहीं करते हैं, जिंदगी भर रोते हैं. सबको रुलाते रहे और अपने स्वयं रोते हुए. पढ़ाई करते नहीं, ध्यान करते नहीं, आध्यात्मिक बनते ही नहीं. भारत देश में क्यों जन्म लिया आप? अफगानिस्तान में जाना आते हैं भारत देश में, फिर भी कुछ भी नहीं सीखते हैं. अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत चालू समझते हैं, है ना? यू आर वेरी इंटेलिजेंट डैडी. No sir, I don't think so that I'm very intelligent. You are not intelligent. If you don't think so, why are you not intelligent? Why don't you become intelligent? When you understand that you are not intelligent. Level best, sir. Then do that now. वो करते नहीं, आप lazy हैं आप. Those people who are not intelligent are especially lazy. Totally lazy people. वो आलसी हैं. अगर आलसी नहीं होते कौन intelligent नहीं बनता? और भारत देश में जन्म देने के बाद आलस नहीं होता तो कौन ज्ञानी नहीं बनेगा, कौन ज्ञानी नहीं बनेगा? संत ज्ञानेश्वर बचपन में ही ज्ञानी बना. संत ज्ञानेश्वर हम क्या कर रहे हैं? वो छोटा बच्चा तो वो महान ज्ञानी बन गया. भगवत गीता का व्याख्यान लिखा संत ज्ञानेश्वर. आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? हम क्या करते हैं? खाते हैं, सोते हैं जानवर के जैसे, और रुलाते हैं, रोते हैं. ये अपना अपना पहचान है. खाना पीना रोना रुलाना यही अपना पहचान है. गजब के लोग हैं बाबा. कोई गौतम बुद्ध की जैसे है ही नहीं, संत ज्ञानेश्वर जी की हैसी ही नहीं, गुरु नानक जी के क्यों नहीं है आप? वो लोग बने तो हम क्यों नहीं? आप क्यों नहीं बने? मैं क्यों नहीं बना? अरे बाबा आलसी नहीं बनना, काम करना, काम पढ़ाई करना. जी सर. नीता जी के जैसे रहना, नीता भोजवानी के जैसे. वो हो गए संत. आप क्यों नहीं बने? थोड़ी देर हो गई सर मेरे को यहाँ आते में. तो अब जल्दबाजी करो ना, अब देरी हो गई ना, अब जल्दबाजी करो. रात भर सोइए, रात भर ध्यान में बैठिए. जी सर. रात में क्यों सोते आप? नहीं सर, मैं रात में सोने की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान में बैठो. एक घंटा ध्यान 3 घंटे सोने के बराबर है. जी सर. मैडम जी वेक अप, मैडम जी यू हैव टू वेक अप टू योर ओन हायर कॉन्शियसनेस. आई हैव ऑलरेडी सर. ओके बाबा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू रूपाली जी. वर्षा जी आप अपने को अनम्यूट करिए. हाँ वर्षा जी. नमस्ते बाबा जी. बोलो बाबा जी. मैं ओमान से जो पाकिस्तान से बात कर रहे थे ना, मेरे फैमिली मेंबर थे, कोई बहन थी, बहन की बेटियां थी. अरे वाह, हाँ पूरा पाकिस्तान आ गया इधर. हाँ बाबा जी, पूरे पाकिस्तान. आपने कहा ना पाकिस्तान को लाना है, आप भी पाकिस्तान आइए, मोस्ट वेलकम. मैं भी आ जाऊंगा पाकिस्तान. हाँ.
बाबा जी इस वक्त मैं तो ओमान में हूँ। अच्छा बाबा जी डांट बहुत अच्छी दी हमें, बहुत देर कर दी हमने, वाकई में देर कर दी। अच्छा अच्छा मैं नंबर वन हूँ डांटने में, दुनिया में नंबर वन। मैं भी बुद्ध बनना चाहती हूँ। सब लोग कहते हैं ना डरते हैं, मैं नहीं डरती। मैं सब लोगों कहते हैं ना, हजारों लोगों में एक होता है एक बिरला, मैं वो बिरला बनना चाहती हूँ। मैं गौतम नानक बनना चाहती हूँ। ये हुई ना पहली बात। बाबा जी दो लाइनें बता दूं आप सबको गाने के लिए कहते हैं। मीठे बच्चों तुम इतना रोते क्यों हो, इतना जो रोगे तो तुम्हारी शक्तियां बर्बाद हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। प्यारे बच्चों तुम इतना हंसोगे तो तुम्हारी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी, और नकार आत्मा भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगी, टिक नहीं। ओके 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 थैंक। अच्छा नेटवर्क इशू है, आगे चलते हैं। महक जी अनम्यूट करिए अपने को। जी मैम। हाँ बोलिए। आपका चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं सबसे पहले एक बात आपसे बोलना चाहूंगी, आई लव यू सर। हाँ 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 सर, मुझे सच में आपसे बहुत प्रेम है। अरे डांटने वाले से कैसे प्रेम करते हैं आप सर? जब आपका अधिकार है मुझ पर तभी तो डांटते हैं ना, आपका मुझ पर अधिकार है तभी तो डांटते हैं ना। अच्छा मैं अधिकार का दुरुपयोग कर रहा हूं। नहीं सर आप डांटेंगे नहीं तो मैं सही राह पर कैसे चलूंगी। ये भी सही है सर। मैं जब से ध्यान सर जब से ध्यान में आई हूँ ना, ऐसा लगता है दुख खत्म हो गया है, दुख चला गया है। हाँ बाबा वो तो खत्म होता ही है, दुख खत्म हो जाता है, सूरज आता है अंधकार खत्म हो जाती है सर। सूरज आता है, किसी भी चीज का दुख नहीं होता है मुझे, संभव संभव ही नहीं है। सर बस एक चीज का बोलिए। सर बस एक चीज मुझे लगती है, जब मैं रात को ध्यान करने बैठती हूँ और मैं तो बस जैसे ही ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है आसपास कोई है, कोई आ रहा है, तो बस मेरे को डर लगता है, उसके बाद मैं चुपचाप सो जाती हूँ। क्या कोई भी आपके पास नहीं है ना क्या रात और रात? डर बहुत लगता है सर, ऐसे लगता है सब लोग अपने अनुभव सुनाते हैं, ये मास्टर आए या ये दिखाई दिए, तो मतलब ऐसा लगता है कोई आएगा तो नहीं, डर लगता है। आपके मुंह से डर का शब्द ठीक नहीं है बाबा, हम पसंद नहीं करते हैं आपको ऐसा ऐसा बोले तो। सर रात को मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसी बातें मुझे अच्छा नहीं लगते बाबा। रात को अंधेरे में ध्यान नहीं कर पाती हूँ, रात को बैठती हूँ तो डर लगता है। तो मत करिए ना, सुबह दोपहर में करिए, रात में क्यों करिए फिर? तो उठते साथ करती हूँ। अरे जब अच्छा नहीं लगता है तो मत करिए, छोड़ दीजिए। बाकी तो सुबह उठते साथ करती हूँ, शाम को करती हूँ, बस रात को नहीं कर पाती हूँ, रात को डर लगता है। अरे बाबा फिर वही बात है, बेकार के बातें, दो तीन बार क्यों करते हैं एक ही बात को? हाँ आप बात करना सीखो पाला,
बाद में ध्यान सीखेंगे, आत्मज्ञान आएगी, पहले बात करना सीखो। एक ही बात तीन बार चार बार क्यों कहते हैं आप? जी जी सॉरी सर। आइंदा ऐसा नहीं होगा बाबा। रात में ध्यान लगता है तो रात मत करिए, भूल जाइए, ध्यान ठीक नहीं रहता ध्यान को भूल जाइए। कोई दाढ़ी वाला ठीक नहीं रहता दाढ़ी वाले को भूल जाइए। नहीं आपको नहीं भूलूंगी सर। सर मेरा बेटा है, पहले पहले जब मैं ध्यान में आई थी तब मेरे बेटे की वजह से ही, मतलब वो बहुत लोग बोले कि आप ध्यान करो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। तब मैं अपने बेटे के थ्रू ही आई थी कि नहीं मेरे को ऐसा लगता है ये ठीक हो जाएगा ऐसा। अब तो ऐसा लगता है कि वो भी अपना कैरेक्टर निभाने आया है, मैं भी अपना कैरेक्टर निभाने आई हूँ, इसलिए ना ऐसा है, दुख नहीं होता है। ये मेरा बेटा है सर। ठीक है। इसको देखिए अब लोग बहुत बोलते हैं कि देखो ये ऐसा है बेचारी है ऐसा। अब मुझे हंसी आती है, अब मुझे लगता है नहीं वो भी अपने कर्म पूरे करने आए हैं और मैं भी अपना कैरेक्टर पूरा करने आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। हम सब अपने अपने कर्मों को पूरा करने के लिए आए हैं। उसके बजाय हम और कर्म को बोल लेके जाते हैं, किस कारण आए हैं और क्या कर रहे हैं। जो कारण आए हैं उसके खिलाफ हम करके जाते हैं, यही तो है मूर्खता। सिलसिला ऐसे चलते रहती है, जन्म के पास जन्म 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 और कर्म और कर्म और कुकर्म कुकर्म और जन्म और कुकर्म और जन्म और कुकर्म, हजारों 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 जन्म, हजारों हजार हजारों कुकर्म, ऐसे ही होता है। कर्म बंधन बनते ही जाता है, इसको हम तोड़ने के लिए हम राजी नहीं है। ध्यान करोगे तो इन सारी चीजों को तोड़ देंगे आप। न कर्म होता है न जन्म होता है। थैंक यू बाबा, आगे बढ़ो ऐसे ही। और रात में नहीं करना आप ध्यान, कोई आ जाता है आपको देखो, भूत प्रेत आ जाता है आपको खा जाता है, रात में नहीं करना, सुबह करो। और सचिन जी क्या हो रहा है? सचिन एक मिनट सर, ये जोधपुर वाला को देना। हाँ सर। सचिन शर्मा हाँ अनम्यूट करिए सर। यस सर। यस मैडम कर दिया। यस सर सुपर्ब सर, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत मजा आ रहा। नीता वजवानी मैडम तो मेरी बहुत बड़ी, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, तो मजा आ गया इनके साथ। मतलब सर बहुत, मतलब एवरीथिंग इज सुपर्ब सर। सर बुखार आया था, फीवर आया था, चार दिन खाना नहीं खाने को हुआ, खाना नहीं खाया, गोली भी नहीं खाया, सब लोग का गाली खाया लेकिन गोली नहीं खाया। सबको बताइए आप कब क्यों कैसे आए, पूरा सब कुछ बताइए आपके। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। 2012 में ध्यान करना शुरू किया था। एक स्नेह देसाई करके एक सर है, उन्होंने दो दिन का सेशन लिया था, तो उन्होंने ध्यान कैसे करते हैं वो एक्सप्लेन किया था टेक्निक। तो ध्यान करना बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगा था कि यार ये जो बॉडी, जब हम आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये ध्यान देने से मेरा सोल मेरे नाभि के जरिए बाहर आ रहा है और हम बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ फील कर सकते हैं जो ये दो आंखों से नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर ने ये कहा था कि आप अगर किसी पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करोगे तो 3 times more power। मैं वो टाइम पे मुंबई में रहता था, मुंबई में कोई पिरामिड मैंने कहीं पर भी नहीं देखा, तो मेरे घर के सामने जस्ट 3 महीने के अंदर ही पिरामिड बन गया। और मुझे इतना अच्छा लगा कि वाओ पिरामिड, जस्ट मैं सोच रहा था कि पिरामिड आए और पिरामिड आ गया,
और फिर उसको मेंटेन करने के लिए पत्री सर ने हैदराबाद से राम बाबू को भी भेज दिया, तो बहुत अच्छा लगा था। मतलब जो सोच रहा था और वो मिल रहा था ध्यान करने से, तो ध्यान करना शुरू किया, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ध्यान करना शुरू किया। तो धीरे धीरे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम थी मेरे बॉडी में, जो भी मैं बहुत सालों से मैं सोच रहा था कि मेरे फिजिकल बॉडी को कैसे ठीक करूं, साइनस, माइग्रेन, हकलानापन, इसको कैसे ठीक करूं मैं, बट वो नहीं जा रहा था। हर सब कुछ किया, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब कुछ किया, बट वो कभी नहीं गया, वो सिर्फ ध्यान से ही गया। और अभी बहुत सारे ध्यान से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत मतलब एक न्यू सचिन शर्मा बन गया अभी। नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत अच्छा लगता था, उसका स्मेल 2012 से पहले इतना अच्छा लगता था कि उसको अट्रैक्ट होता था उसका स्मेल सुन के। अभी उसका स्मेल से इतना गुस्सा आता है कि कोई कैसे खा सकता है नॉनवेज, तो वो भी बंद हो गया, बंद कर दिया। सचिन जी सचिन जी मैं मतलब मैं इस लाइन में आया स्पिरिचुअलिटी में, मुझे अभी तक खुद को यकीन नहीं होता कि मेरे जैसा एक जानवर जो नॉनवेज खाता था और कितना गंदा था वो इतना अच्छा बन सकता है, और वो इतने बड़े बड़े सज्जनों के साथ बैठ के ध्यान कर सकता है, बैठ के बात कर सकता है। तो मैं अपने आप को बहुत मतलब सर थैंक यू सो मच सर, वी ऑल लव यू सर, थैंक यू सर। अरे वाह उस्ताद, आप तो कोहिनूर है PSSM के। सर आप ही ने बनाया है कोहिनूर सर, आप तो जोधपुर के योद्धा हैं। थैंक यू सर। मैं एक बार गया था उनके पास, जोधपुर गया था मैं। yes. फिर आने का है बाबा उधर। सर जोधपुर में सब लोग आपका बहुत याद करते हैं, बहुत सब लोग यही बोलते हैं कि हमने हॉल वॉल सब कुछ हमने देख लिया है ये कोरोना की वजह से, जैसे खत्म होगा प्लीज आप सर को इनवाइट करिए, हमको फिर से आना है, और ये टाइम पे हॉल आपका जरा भी खाली नहीं रहेगा। चलिए बाबा और नीता जी, थैंक यू सो मच। अपने लंदन के दोस्त, हेलो, क्या हो रहा है बाबा? हेलो सर, बोलो। हेलो सर, बोलो कुछ तो बोलो। हेलो सर, शुरू करे तो बोलो सर। ना पेर जनार्दन सर। ओके, ये बोलो। आंध्र प्रदेश सर। नो आंध्र प्रदेश यार, ओनली छत्तीसगढ़। ओनली छत्तीसगढ़। बोलिए जी, आप आगे बढ़िए जी। नमस्ते सर। बोलिए बाबा। बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस ऐसे, हम चाय पी रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सर। सर आपको एक खबर देनी थी कि आपको कहा था मैंने 4 दिन पहले कि लॉटरी आपने कहा था ले लो, तो लॉटरी की टिकट तो लेता रहता था, आज 2 साल से ले रहा था, आज तक 1 नंबर ही लगा था, कल 3 नंबर लग गए सर। तो अभी 6 नंबर चाहिए 1111 पिरामिड के लिए, कल 3 नंबर लग गए। आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, वी आर ऑल गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो अभी तो 1 नंबर नहीं लग रहा था, आज 3 नंबर लगे हैं कल, तो 3 नंबर से कुछ नहीं, एटलीस्ट कुछ तो वापस आया, लेकिन 6 नंबर अगर लगेंगे तो 1111 पिरामिड एक साथ लग जाएंगे। तो जस्ट टू लेट कीप यू इन्फॉर्म्ड दैट व्हाट इज हैपनिंग। दूसरी बात, आपने कहा था पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ना चाहिए, तो मैंने आपको कहा था कि मैंने अपने काम के द्वारा मैं लोगों के साथ बातें करता हूँ, रोज मैं करता हूँ। इनफैक्ट इन द लास्ट 10 डेज यू विल बी सरप्राइज्ड कि मुझे 3 लोग ऐसे मिले जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानीज हैं, लेकिन ब्रिटिश पाकिस्तानीज हैं, वो यहाँ ध्यान करते हैं,
वो टोटल वेजिटेरियन है और ये सुनकर मैंने उनके साथ पिक्चर भी निकाली उनकी, और यू नो अब मैंने एक सोच लिया कि जिसको भी मैं ध्यान के बारे में बताऊंगा उनके साथ अपनी पिक्चर खींच लूंगा याद के लिए, तो एटलीस्ट मुझे याद रहेगा कि हाँ इतने लोगों के साथ में मिला था। कल मैं एक लेडी को एयरपोर्ट छोड़ने गया, वो यहाँ से 200 माइल दूर है एयरपोर्ट, तो उनसे बातें करते करते मैंने उनको 2 घंटे के अंदर कुछ भी दूसरी बात किए बगैर उनको ध्यान गाड़ी में बैठे बैठे सिखा दिया, समझा दिया, बता दिया। उन्होंने ये भी अफर्म कर दिया कि मैं जरूर करूंगी। उनका कल रात को टेक्स्ट मैसेज भी आ गया कि मैंने कल रात को 10 मिनट के लिए ध्यान किया एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो ये सब जैसा जैसा बीज आपने हमारे अंदर बोए हैं हम आगे आगे उसको फैला रहे हैं। ये है लॉटरी बाबा, इसी को कहते हैं लॉटरी लग गई। जी जी पत्री जी, अगर आपकी परमिशन हो तो यहाँ पे एक अशोक जी थे जो कह रहे थे कि उनकी फैमिली को डर लगता है कि अगर वो ध्यान में चले गए तो वो घर बार छोड़ देंगे। ये लाइव एग्जाम्पल अशोक सर अगर आप सुन रहे हैं तो देखिए हम दोनों कैसे दो तलवारें हैं, दो तलवारें में अपने आप को भी तलवार करिए अपने हस्बैंड को भी। और जब से हमने ध्यान शुरू किया है हम दोनों तलवारें एक दूसरे के साथ रह रही हैं और इतने अच्छे से रह रही है, इतना हंस रहे हैं बहुत सालों से। और एक और अभी एक मैडम आई थी जिन्होंने बोला कि उनको रात से डर लगता है। देखिए उनको भी पत्री जी, वैसे ये काम तो आपका है पर थोड़ा सा आप चाय पीजिए तो मैं आपका वर्ड्स उनको कह देती हूँ कि डरिए मत, क्योंकि ये डर सिर्फ आपके दिमाग से है और कुछ भी नहीं है। मैंने ये अपना एक्सपीरियंस खुद किया है, मैंने किताबों में जरूर पढ़ा था कि तुम्हारी जो बॉडी से बड़ा तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी सोल है। और इसको मैंने कभी मुझे पता नहीं चला था, लेकिन मेडिटेशन करते टाइम एक बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी जो सोल है वो मेरे कमरे से बहुत बड़ी, मतलब 12 फीट ऊपर थी। तब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब मुझे समझ आ गई कि हमारी सोच हमारे से बहुत बड़ी है। तो प्लीज आप डरिए मत ये रात को करना, ये हमेशा अगर आप कहते हो ना भगवान अंदर है तो वो है, तो आप ये कोई भूत पिशाच, एक्सेप्टेंस कीजिए हर चीज हो जाएगी, डरिए मत किसी चीज से भी। अरे रिजू जी आप आ गए तो मेरा रिटायरमेंट हो गई। नहीं 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 सर, मैंने बोला आप चाय पी लीजिए, आप चाय पी लीजिए, इसलिए मैंने कहा कि नहीं मुझे थोड़ा ना आपको हंसाना है। मुझे अच्छा लग रहा है बाबा, ऐसे लोग बन गए हर जगह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 40 साल के पहले मैं अकेला था दुनिया में ऐसा बात करने वाला, अब तो हजारों लाखों हो गए। जी हमारे साथ तो सर ट्रांजिशन हुआ है, ये 75 दिन के अंदर जो ट्रांजिशन मेरी लाइफ में हुआ है। रिजू के तो चलो ठीक है, शी वॉज वेरी स्पिरिचुअली बाउंड, बट मेरे अंदर जो हुआ है, मेरे अंदर से गुस्सा इतना, मतलब गुस्सा ऐसा था कि एक सोडे की बॉटल की तरह, कि एक मिनट में मुझे कोई कह दे तो मुझे गुस्सा आ जाता था। कितनी बड़ी गुस्से का यू नो रिजल्ट सिर्फ मेरे ऊपर हुआ, उसका नुकसान मुझ पर हुआ। सर विश्वामित्र का साक्षात अवतार है। तो गुस्से की वजह से मैंने बहुत कुछ जिंदगी में खोया, लेकिन जैसे जैसे ध्यान में आया वो गुस्सा अपने आप धीरे 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 कम हो गया। आई वुडंट से कि खत्म हो गया, बट कम जरूर हो गया। अब मैं दूसरी नजरिए से हर चीज को देखता हूँ। अब जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं सबसे पहले हंसता हूँ, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन ये हो गई कि गुस्से को सबसे अगर अच्छे से कंट्रोल करना है तो आपको इमीडिएटली हंसना शुरू कर देना है। इसीलिए मैंने हंसना शुरू कर दिया, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं हंसना शुरू कर देता हूँ, और वो हंसना जो है मुझे अपने अंदर से ही मुझे इंस्पिरेशन मिलती है उसे। और जैसे कहते हैं ना कि पत्री जी की जो बांसुरी है, यू नो एक गौर करने वाली बात है ये, क्योंकि ये मेरे को कल सडनली रियलाइजेशन हुई कि जो बांसुरी होती है, एक फ्लूट जो होती है, वो अंदर से बिल्कुल खाली होती है, बिल्कुल देयर इज नथिंग, इट इज हॉलो, कंप्लीटली हॉलो इनसाइड। लेकिन जैसे ही उसके अंदर श्वास या हम उसके अंदर हवा डालते हैं तो कैसे मेलोडियस ट्यून्स बाहर निकलती है लाइफ में, उसी तरह हमारी बॉडी जो है वो एक बांसुरी की तरह होनी चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल हॉलो फ्रॉम इनसाइड। वी शुडंट बी पुटिंग एनी काइंड ऑफ गार्बेज, एनी काइंड ऑफ यू नो एनी काइंड ऑफ वेस्टेज इन आवर माइंड, बिकॉज वो माइंड जो है हमारे को पूरा सब तरफ घुमाता है। और अगर हमें अपनी बांसुरी सुननी है, जो कि हम खुद ही बजा सकते हैं, हमारी बांसुरी कोई और नहीं बजा सकता है, उसे बजाने वाले हम खुद हैं, और अगर उसमें से अच्छी धुन हमने निकालनी है तो उसको हमको अपने अंदर से उस सोच को खाली करना पड़ेगा दोस्तों। एंड वी ऑल हैव टू डू दिस ऑन अ कलेक्टिव लेवल, ऑन अ इंडिविजुअल लेवल, फॉर योर ओन सेल्फ, अपने लिए पहले करना है आपको, और उसके बाद आप लोगों को यही चीज प्रचार कीजिए कि कैसे एक फ्लूट, सिंपल सी एक फ्लूट जो है आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकती है।
एंड मास्टर्स मैं आपको ये भी बोलूंगी, जो डर होता है ना कि पैसा नहीं है ये नहीं है, मैं आपको बताती हूँ हमने लाइफ में इतने टर्बुलेंस दोनों ने देखे हैं, कितनी बार नौकरियां गई, बच्चे छोटे थे, कैसे होएगा, इतनी इंडिया में फैमिलीज को सपोर्ट करना था, पर एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग। मेरे बच्चे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, हर कुछ भगवान का सब कुछ, अपनी सिर्फ सोच से। याद रखिए जीने के लिए क्या चाहिए, छत चाहिए, कपड़ा चाहिए और अपने ऊपर विश्वास। अगर अपने ऊपर विश्वास है तो सब कुछ पालोगे, क्योंकि खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ ही जाना है, संस्कार लेके जाना है अपने साथ जी। और आपको एक चीज और बताते हैं हम कि हमने यहाँ पे फ्यूनरल कॉस्ट जो है, एक फ्यूनरल कॉस्ट होती है बहुत महंगी होती है, जैसे इंडिया में अगर कोई किसी की डेथ हो जाए तो उसको यू नो उसके उसके क्रियाक्रम करने में इतने पैसे नहीं लगते, लेकिन बाहर यूके में, यूएसए में, यूरोप में आप बिलीव नहीं करेंगे 10 से 12 लाख रुपया लगता है किसी को अंतिम संस्कार करने के लिए। तो हम दोनों ने आज से 4 साल पहले अपनी फ्यूनरल कॉस्ट के लिए अपने पैसे ऑलरेडी उस अकाउंट में डालने शुरू कर दिया। उसका लास्ट हफ्ते में मुझे कार्ड का कंफर्मेशन आ गया कि आपकी फ्यूनरल कॉस्ट के पैसे हमको पूरे मिल गए हैं। तो हम जब भी अब जाएंगे तो हम अपने बच्चों के ऊपर वो कर्जा भी नहीं डालकर जाएंगे कि हमको अंतिम संस्कार के टाइम पे भी हमने अपने बच्चों के ऊपर कोई खर्चा रखा, तो वो पैसे भी हमने ऑलरेडी अपने नाम पे डाल दिए। अब जब भगवान ने हमारा लिखा होगा कि हमारी ये श्वास बंद होनी है, उसके लिए हमको किसी को कोई तंग नहीं करना पड़ेगा। और ना आपको ये, जैसे पत्री जी हमेशा कहते हैं, मेरी माँ भी हमेशा कहती थी कि जब आप धरती पे आए हो ना किसी कारण से आए हो, तो अपने अस्तित्व को, आपको जो मानव रूप मिला है बड़े परिश्रम से मिला है, उसको कीड़े मकोड़ों की तरह मत बिकाइए कि कॉकरोच की तरह आए थे। कुछ ऐसा जाइए कि दुनिया आपके जाने के बाद याद रखे, आपके एक्ट्स को याद रखे। दैट्स इट पत्री जी, जो आपसे सीखा है। सॉरी, आपने चाय खत्म कर ली या नहीं? सॉरी मैंने आपका टाइम ले लिया। नो सॉरी, बस बहुत अच्छा लग रहा है, आप आने से बाहर आ गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, आप लंदन से हमें बाहर लाए हैं जी। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मेडिटेशन कराइए अभी अपनी फ्रूट से, 5 मिनट बैठिए सभी लोग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आंखें बिल्कुल बंद, 5 मिनट ध्यान।
कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। दोस्ती शुरू हो गई तो ध्यानी बन गए, मस्ती में झूम गए तो योगी बन चुके हैं। ना ही कोई सोच ना ही कोई विचार, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहे, अपने गुरु जी के साथ एक होकर रहे, अपने सांसी अपने गुरु, वो हमेशा आपके पास है, हमें भी हमेशा उसके पास रहना। गुरु जी के साथ सांस के पुत्र बने, गुरु पुत्र बने।
आखिरी एक मिनट उच्छ्वास निश्वास के साथ। तीस सेकेंड। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। नौ आठ सात छः पांच चार तीन दो एक शून्य। अपने दोनों हाथों को दोनों हाथों के ऊपर रख लीजिए पांच सेकंड तक। पांच चार तीन दो एक शून्य। धीरे धीरे हाथ निकल कर आंखें खोल लीजिए। नीता जी बहुत बहुत थैंक यू। अभी मुझे मुंबई जाने का है। स्वामी जी कपूर साहब इजाजत दीजिए, अभी हम आपसे विदा मांगते हैं। बैठे से बॉम्बे बैठे हाफ चलता मुझे बैठे क्या हुआ मेरा क्या आउट हो गया था मतलब नेटवर्क के कारण, और फिर बाद में नेटवर्क आया तो मैं म्यूट पे थी, मुझे मालूम ही नहीं है। मेरे को भी तो अनम्यूट नहीं करे थे तो मैं भी सर से कर रही हूँ। मैं आउट हो गई थी ना नेटवर्क के कारण, और फिर मैं जब आई मैं म्यूट में थी तो सर बेचारे खैर वो वीडियो में तो देखे होंगे कि मैं हूँ करके, और तुरंत बैठ गए थे ना अपन लोग उसके बाद ऋजु कपूर जी जब बात करे उसके बाद तुरंत मेडिटेशन में, तो मैं ध्यान ही नहीं थी कि म्यूट मेडिटेशन करके। और मैं भी म्यूट थी, गड़बड़ हो जाती है। देखो ना मैं इस फोन से भी आउट हो गई हूँ, आज नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा था। तुम्हारे तरफ से अनम्यूट होंगी तभी तो मैं भी अपना को अनम्यूट करूंगी ना। मैं आउट हो गई थी ना फिर आई हूँ तो फिर वो म्यूट में चली गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, सर को मालूम है कि कभी कभी हो जाता है। अभी क्या हाँ तो फ्रेंड्स अब मेरे ख्याल से मेडिटेशन भी हो चुका है, पत्री सर की एनर्जी भी मिल चुकी है आज सब लोगों को। आप लोगों को मालूम है कि आज अमावस्या है और रागिनी जी का प्रोग्राम है रात के 10 बजे से रात के 12 बजे तक उड़ीसा की सेशन में। मैंने लिंक शेयर कर दिया है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आज सिर्फ अमावस्या नहीं है, कहते हैं कि 3 या 5 प्लैनेट्स एक अलाइन में हैं और इसके कारण बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो सभी लोग ज्वाइन करें, और अगर कोई नहीं ज्वाइन कर पा रहा है तो अपने घर में जितना ज्यादा हो सके आप लोग मेडिटेशन करिए। मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर दी हूँ, कोई भी किसी को भी कुछ पूछना है तो फटाफट 5 मिनट मुझे दीजिए और फिर मैं मीटिंग ऑफ करूंगी क्योंकि काम है और भी। नीता आज तुमने मुझे अनम्यूट ही नहीं किया, मैंने मैसेज भी डाला था तेरे को देख ही नहीं। मैं व्हाट्सएप नहीं, पहले तो आपने बात की है सर से। अरे इसको वेदिका के लिए मैंने तेरे को मैसेज किया था ना, देखा ही नहीं तूने, और फिर मैं ना डिस्कनेक्ट हो गई थी, फिर मेरे को कोहोस्ट में भी नहीं थी तो मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाई। अच्छा तो आप कोहोस्ट तो मैंने आपको बनाया था, मैं बोल रही ना मैं भी आज नेटवर्क का कुछ इश्यू चल रहा था, तो कोई बात नहीं कभी कभी होता है। सर तो वीडियो कॉल में देखते रहते हैं हम लोगों को वीडियो उसमें अपने लैपटॉप में कि कौन कौन बैठा है, होता है कभी कभी गड़बड़ी। और आज से नाराज हो गए थे, और जिसको भी डांट पड़ी है ना रूपाली और महक बहुत बहुत लकी हो जो तुम लोग को आज डांट पड़ी। डांट पड़ती है वो बहुत इवॉल्व होता है। मैं रायपुर में सबसे ज्यादा डांट खाई हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ तो ज्यादा कदम चल ली सिर्फ डांट से ही, क्योंकि सर ने मुझे भिलाई में एक दिन टोका था, किसी को डांटे थे
तो उसको डांट के फिर मेरे को मेरी तरफ देख के बोलते हैं कि नीता बताओ तुमको डांट डांट के मैंने कहां तक पहुंचाया है। मैंने कहा यस सर। तो डांटना बहुत अच्छी चीज है सर कि डांट खाना। जो आंध्र प्रदेश के हैं उन लोग तो सर से जानबूझ के डांट और मार खाने के लिए खड़े होते हैं कि एक चाटा पड़े तो कुछ करमास कट हो जाए, और वाकई होता है। मैं तो अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि डांट खाना बहुत अच्छी बात है। मेरा भी कि मैं किसी की डांट बहुत प्यार से शांति से हंसते हुए सुन रही थी। बहुत बहुत अच्छा है रूपाली, तुम डांट खाए। मैं बहुत खुश हो रही थी कि चलो रूपाली सही रास्ते पे जाएगी अब, है ना जी। क्योंकि सर की डांट हमको सही रास्ते पे ले जाती है। तो फ्रेंड्स किसी को कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन मेरा ही है, सॉरी सर, सर प्लीज। हाँ अशोक जी पूछिए। हेलो सर, सर जी ने तो कहा नहीं करो, लेकिन मेरे को करने की इच्छा है, तो मैं क्या करूं? मैं बोलती हूँ सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपके मन के द्वंद को पहचान रहे हैं ना। आप क्या सोचते हैं कि आपके बेटे की शादी के बाद आपके काम खत्म हो जाएंगे? फिर कोई एक नया काम तो खत्म नहीं होंगे। कभी भी नहीं काम खत्म होंगे। और आपके फैमिली को लगता है कि आप संन्यास लेके चले जाओगे, जो लगता है लगने दीजिए। आप अपने लिए आए हैं, आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए आए हैं। तो आप अपने को जिसमें आपको आनंद मिल रहा है, जिसमें आपका इवोल्यूशन होगा, उसको करिए। तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मुझे मेरे पूरे खानदान में पागल बोलते हैं और मैं बहुत खुश हूँ पागल होके। क्योंकि जब मैं दुखी रहती थी ना अशोक जी, तब मेरा पूरा खानदान, मेरा कोई फैमिली फ्रेंड आके मुझे हेल्प नहीं करता था। आज मैं खुश हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम होता है, पर जब दुखी तो कुछ है ना। तो बिल्कुल सर, खुद 30-35 साल पत्री सर खुद 30-35 सालों से इसमें जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपना संसार थोड़ी ना त्यागा है। हाँ, जी, वो तो बोलते हैं संसार में ही निर्वाण करना है, हमें संसार में रहेंगे। दो मिनट मैं लेना चाहूंगा आपका कीमती समय। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए जी। मैं हाँ, पहली बार क्लास ज्वाइन की है। हाँ। कहाँ से है आप? मैं सिरसा हरियाणा से। सर मना कहे तो कई गल करने म्यूट कर लीजिए अशोक जी। तो एक तो काम करिए ना सर, हाँ तो अपना फोन नंबर लिखिए, इसमें मैं जोड़ दूंगी आपको ध्यान छत्तीसगढ़ में। चैट बॉक्स में नंबर लिखना आता है सर आपको? मैडम आपका लिंक आता है? हाँ जी हाँ जी, अभी लिख देता हूँ मैं। हाँ लिख दीजिए, जो भी नए लोग आए हैं जिनको ध्यान छत्तीसगढ़ में जुड़ना है वो नंबर लिख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लूंगी और आप लोग को जोड़ दूंगी। और किसी को, क्योंकि परसों से कॉलेज का हम चालू कर रहे हैं तो अभी उसी के ऊपर काम करना है, तो प्लीज मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए। कुछ और पूछना है? जी मैंने नंबर छोड़ दिया है। मैम मुझे पिरामिड चाहिए था। मैम मुझे पिरामिड चाहिए था। हाँ वो ममता जी के पास अभी आ रहा है, वो आपको, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ममता जी का नंबर है ना? ये वीक में आ जाएगा, ये वीक में आ जाएगा, मेरे पास है जाएगा। अब ये लिंक आपका मैडम लिंक कौन सा है, किसका लिंक? तो कल मिलेगा कि मैं कल आऊंगी रायपुर मैम? नहीं कल नहीं। आपको तो मैंने ग्रुप में जोड़ा था, आप तो लेफ्ट हो गए शारदा जी। नेक्स्ट मंडे नहीं, बहुत मैं सब जगह मिलाती रही, मेरा लग ही नहीं रहा था कनेक्शन। नेक्स्ट मंडे मिलेगा मैम? एक मिनट पिंकी, एक मिनट शांत रहो, जब आएगा ना वो अनाउंस कर देंगे। शारदा जी मैंने आपको ग्रुप में जोड़ा था, आप तो खुद ही दूसरे दिन लेफ्ट हो गए ध्यान छत्तीसगढ़ से। नहीं लेफ्ट क्यों हो जाऊंगी, मैं तो डेली सुनती हूँ। नहीं नहीं, पर आप उस ग्रुप से लेफ्ट हो गए हैं। तो मेरे पास है आपका नंबर, जोड़ना है क्या मैम? बार बार हम जोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं फिर से जोड़ दूंगी आपको, है ना। और आपका जो जिन्होंने नंबर दिया उनका भी नंबर जोड़ दूंगी। और किसी को, नए लोग हैं अगर नंबर लिंक भेज दोगे ना लिंक? हाँ उस ग्रुप में डेली अप टू डेट हर चीज आती है, तो आप देख लीजिएगा, हर चीज आती है। और भी दूसरे सेशन के बारे में भी जो रागिनी के हैं या रामाराजू सर के हैं वो सब हम शेयर करते हैं। आप लोग को जो भी कंफर्टेबल लगता है और जब आपको लगता है तो आप जरूर ज्वाइन करिए। और आज मेरा समस्या का जरूर करिएगा रागिनी का। हाँ ममता जी। नीता मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है, कभी भी बंद हो जाएगा ना ध्यान ना? हाँ ठीक है ना, अभी खत्म ही हो गया ना कब अपना? हाँ हाँ बस। नीता सॉरी हमारा कनेक्ट नहीं हो पाया। अच्छा मीना जी। हाँ और नहीं हो पाया, हम लोग बहुत ट्राई करते रहे। मैं जीजा जी को तो कितने बार अनम्यूट करने के लिए कर रही थी, अंजनी जी
नहीं नीता हो नहीं पाया, हमने बहुत ट्राई किया, वो अनम्यूट हो ही नहीं पाया हमारे पास से. अच्छा अच्छा ठीक है. एंड एवरी टाइम द मैसेज वाज कमिंग कि द होस्ट शुड अनम्यूट. नहीं नहीं मैं वो उस समय था ना जब मैं आपका नाम ले रही थी ना, तब मैं आपको नोटिफिकेशन भेज रही थी अनम्यूट योरसेल्फ करके. तो बार बार वही मैसेज आता था कि होस्ट शुड अनम्यूट, तो मैं हमारे यहाँ से तो हो ही नहीं रहा था अनम्यूट. तो ठीक है ना जी, यदि कल बात करिएगा, कल भी सर आएंगे. आज नेट के बहुत प्रॉब्लम्स है. हाँ आज नेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है. आप अनम्यूट भी करोगे तो मैसेज वहां तक जा नहीं रहा. अच्छा, मैंने आपको एक मैसेज किया था कल किसी को ऐड करने के लिए. मैंने ऐड कर दिया है सर उसका. अच्छा कर दिया ना. मैं खाली भी नहीं बैठती हूँ, मैं ऐड ही करते रहती हूँ. थैंक यू नीता, बहुत अच्छा काम कर रही हो. थैंक यू कितना मेरे को आपसे उम्मीद थी. इतना दीदी आपसे और जीजा जी से उम्मीद थी कि बिलासपुर में भी वो किरण फैलेगी, और आप लोगों ने बिल्कुल भी उसको स्टॉप कर दिया, अपने परिवार तक ही रख लिया. मेरे लिए एक होप थी बिलासपुर में आप. नहीं तो हम अभी भी होप है, ऐसी कोई बात नहीं है. हाँ तो बिल्कुल आप और वीना जी मिलके बिलासपुर को उठाइए. बिलासपुर में पत्री सर के इवेंट्स होते थे, पर कुछ सालों से वो इवेंट्स बंद हो गए हैं, और वहां से मेरा इतना लगाव है बिलासपुर से, मैं चाहती हूँ कि एक फिर से इवेंट चालू हो बिलासपुर में. अच्छा तो तुम बताना कि किस तरीके से करना है, तो अपन हाँ, फिर से शुरू करेंगे. हाँ हाँ मैं माही को और उन लोगों के कनेक्ट में हूँ, तो मैं बिल्कुल बताऊंगी. और दीदी आप रोज सेशन में आते रहिए. मैं तो आती हूँ नीता, रोज आ रही हूँ, मना करने के बाद भी रोज आ रही हूँ. अच्छा अच्छा चलिए, रोज बोलती हूँ कि नहीं आऊंगी और फिर रोज आ जाती हूँ. नहीं नहीं थैंक यू. देखिए माही जी कितना इंटरेस्ट लेके काम कर रही है, अभी कॉलेज के काम में भी उसको जुटा दी हूँ कि बिलासपुर. अच्छा, के कॉलेज को कनेक्ट करिए. अच्छा, आप लोगों को एक मैसेज देना था. हाँ वो तो खैर यंग लोग ज्यादा एनर्जेटिक है. अगर किसी के सिटी में कोई कॉलेज के प्रोफेसर हैं या आप लोग कोई डीन को जानते हैं, तो प्लीज मेरे को मैसेज करिएगा, क्योंकि हमारा अभी फ्लायर बन जाएगा, लिंक बन जाएगी रात तक के. परसों रात को 9 से 10 बजे तक के हम लोग सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट का चालू कर रहे हैं जूम, और उसमें हम जो मेडिटेशन सिखाएंगे वो पूरा एनर्जी के कनेक्ट करते हुए बताएंगे. वहां पे कोई कर्म की बात नहीं रहेगी, पूरा एनर्जी से कनेक्शन करते हुए. तो उसका लिंक इस ग्रुप में मिल जाएगा. हाँ मिल जाएगा आपको इस ग्रुप में. और यदि आप लोग के कोई पहचान के प्रोफेसर या डीन है, तो मेरे पर्सनल विंडो में या ध्यान छत्तीसगढ़ में भी आप डाल सकते हैं कि मैडम ये प्रोफेसर है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को हम लोग कनेक्ट कर पाए, है ना. बिल्कुल. तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हेल्प करेंगे मेरी, अभी भी बहुत हेल्प कर ही रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. एक्चुअली ना मेरा ग्रैंडसन आया हुआ है, वो बेचारा बाहर बैठा हुआ है, रूम में नहीं एंटर हो रहा है कि नानी जब फ्री होगी तब जाऊंगा. तो मुझे बहुत उतावला ही हूँ कि मैं जाऊँ अपने ग्रैंडसन के पास. बस जल्दी जाओ फिर. ओके चलिए बाय बाय. थैंक यू. कल सर आएंगे. ये वाली लिंक आप फिर से सबको लिंक को शेयर करिएगा. आज भी बहुत लोग जुड़े थे, तो पत्री सर को से बात करने के लिए आप इस लिंक को प्लीज 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 शेयर करिएगा. थैंक यू. बाय बाय. गुड नाइट. और आज ध्यान जरूर करिएगा, चाहे अमावस्या ध्यान है तो वो, चाहे रागिनी का हो या कोई भी सेशन का हो, मैक्सिमम टाइम आप ध्यान को दीजिएगा. ओके बाय.